आज मम्मी पापा शाम तक के लिए कहीं बाहर गए थे। गट्टू सिंह के स्कूल से आने के बाद अपनी नेवर आंटी के यहाँ लंच करने चले जाते हैं। चिंकी, बहुत तेज भूख लग रही है, पता नहीं आंटी ने क्या बनाया होगा लंच में। हाँ गट्टू, मम्मी तो रोज टेस्टी टेस्टी लंच बनाती है, आज हम पहली बार किसी और के घर लंच करेंगे। गट्टू चिंकी आपस में बातें करते करते आंटी के घर पहुंच जाते हैं और बेल बजाते हैं। आओ आओ गट्टू चिंकी, मैं तो तुम दोनों का ही वेट कर रही थी, आज मैंने तुम्हारे लिए इडली और डोसा बनाया है। वाह आंटी, मुझे तो इडली बहुत पसंद है। और मुझे डोसा। हाँ हाँ, तो आओ ना बच्चों, जल्दी से हाथ धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। गट्टू चिंकी इडली और डोसा खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। आंटी, इतनी टेस्टी इडली तो आज तक मम्मी ने भी नहीं बनाई। और आंटी, ये डोसा भी कमाल का है। अरे वाह बच्चों, मैं तो खुश हूँ कि तुम्हें खाना पसंद आया, लो और लो, मन भर के खाओ। गट्टू चिंकी खूब मन भर के इडली डोसा खाते हैं और फिर आंटी को थैंक यू बोल के अपने घर चले जाते हैं। शाम तक मम्मी पापा भी आ जाते हैं। मम्मी मम्मी, आपको पता है आज आंटी ने इडली और डोसा बनाया था? और मम्मी, उन्होंने बहुत ही ज्यादा टेस्टी खाना बनाया था, सच में मजा ही आ गया था। अरे वाह बच्चों, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें खाना पसंद आया। तो बच्चों, खूब पेट भर के खाया था ना? और क्या पापा, गट्टू ने तो 5 इडलियां खाई। चिंकी की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं।